हेलो एस पेरेंट्स वेलकम टू ब्रेनिएगा यस तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर तो ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ये प्रेसिडेंट को आर्टिकल 123 और गवर्नर को आर्टिकल 213 में प्रोवाइडेड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है इट इज़ अ लेजिस्लेटि पावर ऑफ प्रसिडेंट तो सबसे पहले ऑर्डिनेंस क्या होते हैं ऑर्डिनेंस टेम्प्ररी लॉस हैं जो प्रोमिलिगेट होते हैं ड्यूरिंग द रेसिस ऑफ पार्लियामेंट जब मतलब जब पार्लियामेंट रेसिस में होती है ब्रेक में होती है तब कोई अनफॉर्चून सिचुएशन उमड़ आए इमरजेंसी सिचुएशन उमड़ आए जिसके लिए लॉ बनाना आवश्यक हो जाए तो उस टाइम प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर देता है इट इज़ लाइक अ टेम्प्रेरी लॉस तो हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि रिसेंट uh, एनालिसिस ये बताता है कि जो ऑर्डिनेंस इशू करते थे जो प्रेसिडेंट वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं सिंस 2019 ये ऑर्डिनेंस ईशू करना बहुत कम हो गया है और 2022 में पहली बार ऐसा हुआ है उनसठ सालों में इन 59 नाइन ईयर डेट नो ऑर्डिनेंस वर प्रोमिलीगेटेड तो इंडिया में प्रेसिडेंट एंड गवर्नर दोनों को ही ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रोवाइड की गई है प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 123 एंड गवर्नर को अंडर आर्टिकल 213 हंड्रेड थर्टीन दर्डिनेंस मेकिंग प्रेसिडेंट एंड गेंट रूल्स वेन इट कम टू ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर तो देखते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग प्रेसिडेंट गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो लगभग प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से सेम है द प्रसिडेंट ऑफ इंडिया हेज द पावर टू प्रोमोलीगेट ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल दूशन दिस पावर अलाउस द प्रसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेस वेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनेंस तब इशू किए जाते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है एंड इफ दे आर कन्विंस डेट सरकमस्टेंसिस एग्जिट डेट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन एंड जब प्रडेंट कन्विंस हो जाते हैं कि इन दिस सरकमस्टांसिस

दिस ऑर्डिनेंस शेल लेप्स और ये ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा बट अगर ये ऑर्डिनेंस अप्रूव होगा तो इट बिकम अ परमानेंट लॉ तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑर्डिनेंस है उसकी मैक्सिमम लाइफ होगी सिक्स मंथ एंड सिक्स वीक्स कैसे एस इट इज मैं इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन डेट देय शेल बी नो मोर देन सिक्स मंथ ऑफ लैप्स बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट सो दो सेशंस के बीच में छः महीने से ज़्यादा जा, गैप नहीं होगा और

आर्टिकल सेवेंटी फोर बोलता है कि देर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शेल एक्ट इन अकॉर्डेंस ऑफ सच एडवाइस ऑर्डिनेंस में भी रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पुरानी डेट के लिए भी इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस कैन बी रेट्रोस्पेक्टिवली And through ordinance uh, can modify or repeal any act of parliament or ordinance. Or, ordinance normal law की तरह ही काम करता है. उससे आप कोई law को change कर सकते हैं, repeal कर सकते हैं और ordinance को भी वापस ले सकते हैं. Like a normal law. But a difference between ordinance and normal law is that ordinance is temporary, but law is permanent. And if the ordinance passed within Six weeks of reassembly the ordinance also becomes a permanent law. Governor Governors of State India have similar power under Article two hundred thirteen of the constitution. Governor can promulgate ordinance when the state legislative assembly is not in session, provided they believe immediate action is required like president, As with the president's ordinances. दो शूड बाय द गवर्नर मस्ट ऑल्सो बी अप्रूव्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव विद इन स्पेसिफिक पीरियड लेजिबलीफिकड वीक ये जो स्टेट असेंबली से भी जो गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू करता है उसको छह हफ्ते के अंदर पास होना होता है ठीक है नहीं तो द ऑर्डिनेंस विल लैप्स दिस प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग आर मीड टू एड्रेस अर्जेंट सिचुएशंस वे लेजिस्लेटिव एक्शन इज नेसेसरी बट द रेगुलर प्रोसेस इज नॉट फिजिबल ड्यू टू एबसेंस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अर्जेंट सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए जहाँ पे लेजिस्लेटिव एक्शन लेना जरूरी है ऐसी सिचुएशंस के लिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बनाई गई है कि जैसे पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं है तो इमर्जिंग सिचुएशन है उसको हैंडल किया जा सके हाउ एवर ऑर्डिनेंस इशूड बाय द एथर द प्रेसिडेंट और गवर्नर आर टेम्पररी मेजर्स एंड नीड पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेटिव अप्रूवल टू बिकम परमानेंट लॉस ये टेम्प्ररी है और लेजिस्लेटिव अप्रूवल की जरूरत है ऑर्डिनेंस को लॉ बनने के लिए कुछ जजमेंट्स देखते हैं जैसे कूपर केस 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन कैन बी क्वेश्चन इन कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड कि जो प्रेसिडेंशियल सेटिसफैक्शन है ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस इसको हम कोर्ट में क्वेश्चन कर सकते हैं वी कैन जुडिशल रिव्यू द ऑर्डिनेंस इशूड बाई द प्रेसिडेंट तो देखते हैं रिप्रमोलीगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस पे क्या लिखा है क्या कोर्ट बोलता है क्या संविधान बोलता है तो ऑर्डिनेंस के रिप्रमोलीगेशन पे ऐस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मैंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन रिप्रमोलीगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इसके दो इम्प्लीकेशन हो सकते हैं पहला यह तो ये साइलेंस परमिसिव है कि परमिशन देती है कि आप रिप्रोमिगेट कर सकते या प्रोहिबिटिव है कि नहीं आप रिप्रोमिगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस नहीं कर सकते तो इस दुविधा को भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिपीटेड रिप्रोमोलिगेसन विदाउट लेजिसलेटिव कंसिडरेशन वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेशन ऑफ लेजिस्लेटिव रोल बार बार ऑर्डिनेंस अगर आप रिप्रोमिगेट करोगे बिना लॉ बनाए बिना जो लेजिस्टिव स्क्रूटनी है पार्लियामेंट से लॉ पास किए बगैर तो इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड आ वायलेशन ऑफ लेजिस्टर्स रोल तो बेसिकली यू कैन नॉट बाईपास पास रोल ऑफ लेजिस्लेचर बाई मेकिंग ऑर्डिनेंस ये कोर्ट का कहना था फिर उन्नीस में एक केस हुआ था डीसी सी केस तो वो केस क्यों हुआ था कि बेसिकली जो डिफरेंट स्टेट्स थी वहाँ पे गवर्नमेंट जो ऑर्डिनेंस को बार बार ऑर्डिनेंस के थ्रू लॉ मेकिंग कर रहे थे और दे आर रिप्रामिगेटिंग द ऑर्डिनेंस वंस द ऑर्डिनेंस इज एक्सपायर्ड तो सोचिए आप कि बार बार ऑर्डिनेंस के थ्रू ही लॉ बनाना और जो लेजिस्टिव स्क्रूटनी है उसको बाईपास करना तो ये तो संविधान के खिलाफ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है फेडरलिज़म के खिलाफ है तो कोर्ट ने बोला कि बिटवीन 1967 टू 1981 जो गवर्नर थे बिहार के उन्होंने दो सौ ऑर्डिनेंस को निकाला इन कुछ सालों में लगभग इन 14 सालों में उन्होंने दो सौ ऑर्डिनेंस निकाले ऑल आर कैप्टन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ वन टू फोर्टीन ईयर्स बाय ट्राम्योगेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम तो कोर्ट ने बोला कि

विद द सेम टेक्स्ट और बिना किसी अटैम्प्ट के बिना किसी प्रयास के कि जो बिल को पास करें असम्बली में तो इट अमाउंस टू द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ऐसे सारे ऑर्डिनेंसेस को कोर्ट खारिज कर देगी कोर्ट ने बोला कि एक्सेप्शनल पावर ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग कैन नॉट सब्सट्यूट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेश कोर्ट ने बोला कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ये एक एक्सेप्शन पावर है जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस और इमरजेंसी में यूज होनी चाहिए इसको आप लेजिस्टिव पावर से कंपेयर नहीं कर सकते और तो जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है इट कैन नॉट सब्सट्रूट दिस लेजि पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर तो दोस्तों ये थी हमारी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 123 ट्वेंटी थ्री एंड टू हंड्रेड थर्टीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आज के लेक्चर के लिए ही बस इतना ही जय हिंद जय जे भारत जय संविधान थैंक यू